सबसे पहले तो आपकी अपनी बात जो आपने फेसबुक पर लिखा है वो सामने कैमरा से। सो जो मैंने फेसबुक पे लिखा है वो तो मैंने लिखा ही इसलिए था क्योंकि मुझे मालूम था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ सबका यू नो ट्रैजेक्टरी कैसे चल रही है, इसलिए मैंने वो जो सब डिटेल्स हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं वर्बली बताने के लिए मैंने पहले के पहले पोस्ट में ही डाल दिए थे। और वो मैंने किया भी इसलिए था क्योंकि मुझे ऐसे लगा कल एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो गया है हमारे यहाँ जहाँ पे मुझे इतनी हिम्मत आ गई कि मैं ऐसा सब कुछ बाहर निकाल दूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी बात बन जाएगी। वेरी फ्रैंकली मुझे लगा था ये मेरे फेसबुक पे है, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, अक्वेंटेंसेस हैं, कोलीग्स हैं, बहुत चर्चा चलेगी इसके बारे में और हम इसको लोगों की मुझे एम्पथी भी मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इट्स गोइंग टू बिकम सच अ ह्यूज थिंग। और वो हो गया, मुझे 2-3 घंटे में लगा जिस तरीके से शेयर्स और ट्वीट्स और लाइक्स वगैरह चल रहे थे तो मुझे पता चल गया था कि दिस इज़ गोइंग टू गो वेरी फार। सुबह तक तो इट हैड गॉन टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर। सो आई एम रियली थैंकफुल, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड विद ऑल द सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग। इनफैक्ट ये सपोर्ट मुझे तब नहीं मिला था जब ये हादसा हुआ था, और उस टाइम पे भी मैंने सबको बोला था, लेकिन एवरीबडी काइंड ऑफ केप्ट क्वाइट अबाउट इट एंड दे ऑल्सो टोल्ड मी कि आप भी चुप रहिए, आप बोलेंगे तो आपको आपका ही हार्म होगा, यू विल कमिट हारा किरी विद योर सेल्फ। उसके बाद फिर भी बावजूद डिस्पाइट ऑल दैट एडवाइस मैंने हिम्मत करके टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू दिया, लुफिसियल में पूरा आर्टिकल लिखा, लेकिन वो भी आया और गया, किसी ने उसके बारे में कॉम्पेंट नहीं किया, लेकिन सब ने उसको पढ़ा, और उसके बाद मुझे काम मिलना बंद हो गया। एंड इवेंचुअली आई वॉज लाइक इन दिस प्लेस वेर आई सेड लेट मी पुट इट बिहाइंड मी एंड मूव इन टू लाइफ अगेन, एंड फाइनली आई गॉट दिस टाइम बिकॉज आई थिंक मी टू मूवमेंट हैज़ गिवन अस इनकरेजमेंट, द मी टू मूवमेंट हाँ, तो मी टू मूवमेंट से काफ़ी इनकरेजमेंट मिली है, मी टू मूवमेंट से और लोगों को बाहर निकलते हुए और हिम्मत करते हुए देख के आपको भी लगता है कि आपके अंदर भी जो बातें छुपी हुई हैं जो आप निकालने की आप में हिम्मत नहीं है वो आप उनको निकाल सकते हो, तो उसी से मुझे हिम्मत मिली है। ऑल्सो सिंटा ने जो एक स्टैंड लिया तनुश्री के लिए, जो सुशांत सिंह जी और अमित बैल जी ने एक स्टैंड लिया कि दे विल टेक इट वेरी सीरियसली, उस उधर से भी मुझे बहुत हिम्मत मिली क्योंकि मुझे लगा कि अब हमारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग और वैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक सपोर्ट सिस्टम जिनसे मिल सकता है, तो यही है। मैम आपकी कहानी अगर हम पूछे इतने सालों बाद आपने फिर से दोहराई है जी, उस वक्त सबसे पहले जब इंसिडेंट हुआ था आपने किसकी मदद लेने की कोशिश की थी उस सेट पर, या थोड़ी सी अगर आप कहानी हमें हम सबको बताएं एक्चुअली क्या हुआ था उस वक्त? एक्चुअली क्या हुआ था मैंने फेसबुक पे ऑलरेडी लिख दिया है शब्द, और शब्द मींस हाँ नहीं आई कैन नॉट रिपीट इट, इसीलिए मैंने फेसबुक पे लिख दिया बिकॉज आई डोंट डिडंट वांट टू गो ऑन रिपीटिंग इट वर्बली। लेकिन उस टाइम पे मैंने अपने फ्रेंड्स और फ्यू फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी और की मदद नहीं मांगी थी, मैंने जिनसे भी बात की थी सबने मुझे बोला था इसको भूल जाओ और रहने दो, और जब कभी कभी जब मैं वो डायरेक्टर लिख रही थी उस टाइम पे भी मैंने अपने बॉसेस को ये जाके नहीं बोला कि इसने ऐसे मेरे साथ किया है, उनको सिर्फ इतना बोला कि मेरे को इस आदमी के साथ काम नहीं करना है, जो कि नहीं हो वो लोग उसको नहीं निकाल पाए, जिसकी वजह से मैंने डायरेक्शन छोड़ दी और मैंने राइटिंग कंटिन्यू करी और मैंने कहा कि मैं इस सेट पर नहीं जाऊँगी। और उसके बाद मैं कभी आलोकनाथ और उनकी वाइफ से एक ही बार मिली बीच में, पर आलोकनाथ से मैं कभी नहीं मिली। आलोकनाथ ने कहा है कुछ, आलोकनाथ ने बातचीत में कहा है आपने लीगल एक्शंस लिए थे कभी, क्योंकि रेप बहुत बड़ा वर्ड है, उस वक्त क्या कुछ लीगल एक्शंस लिए थे, क्या कुछ मदद ली थी? नहीं मैंने नहीं लिए थे क्योंकि काफी देर तक मैं खुद ही सोचती रही कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ जो मेरे साथ हुआ उसके लिए। काफ़ी देर तक मुझे ये ही, अभी तो इसीलिए मुझे हिम्मत आ रही है क्योंकि पीपल आर कमिंग आउट एंड टॉकिंग एंड सेइंग दैट दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि उस वक्त में मुझे लगा था कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं बहुत फॉरवर्ड हूँ, मैं पार्टीज़ में जाती हूँ, मुझे अकेले कहीं जाने में कोई झिझक नहीं है, मैं मर्दों के बीच में जो मेरी थाट्स होती हैं और जो मेरे आइडियाज़ होते हैं मैं रखती हूँ, मैं दूसरी लड़की और औरतों की तरह चुप नहीं रहती हूँ, क्योंकि आपको चुप रहना चाहिए क्योंकि आप एक लड़की हैं,
तो ये सब मैंने अपने ऊपर इन्वाइट किया है। और दूसरा ये वजह थी कि दूसरी ये वजह थी कि सबने मुझे उसी टाइम पे बोला था कि आप ज़्यादा मत बढ़ाइए इस बात को, क्योंकि ये आपकी अगेंस्ट ही जाएगी। आज के दिन में बलात्कार की आप जो बात कर रहे हैं कि इट इज़ सच अ सीरियस मैटर, उसमें तक आप देख सकते हैं कि क्या क्या होता है, इन विच वे अ वुमन इज यू नो मेड टू फील सो स्मॉल। सो उस टाइम पे तो और भी बुरा हाल था। मैम आलोकनाथ जी कहते हैं आपकी इस फेसबुक पोस्ट के बाद जब खबर आई तो उन्होंने कहा कुछ तो लोग कहेंगे, ना तो मैं इससे इनकार कर रहा हूँ और ना ही मैं इसे मानने को तैयार हूँ। रेप जरूर हुआ होगा लेकिन यह किसी और ने किया होगा। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि अब यह बाहर आ ही गया है तो काफी खींचा भी जाएगा। खत्म। हाँ ये हाँ, तो आई डोंट नो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे उनको बोलने के लिए, कि आई डोंट नो इफ यू वर एक्सपेक्टिंग दैट ही वुड से कि हाँ मैंने ऐसे किया। सो ऑब्वियसली वो अभी डिनाई करेंगे और डिनाइल में हैं, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। अभी क्या और कुछ उसने नहीं कहा है कि आलोकनाथ की जो वाइफ है वो आपकी काफी अच्छी फ्रेंड थी, तो आपने उनसे क्यों नहीं बात किया? आपने मैंने किया उनसे बात। मैम आल्सो उनका क्या रिप्लाई आया था उस वक्त? कुछ कि नहीं। एक बहुत बड़ी बात है कि आपके हस्बैंड किसी और के साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, हाँ बहुत बड़ी बात है उनके लिए, तो उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया या नहीं उन्होंने नहीं उनको उन वो हेल्पलेस थी, उन्होंने बोला मैं आई एम शॉक्ड एंड मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आल्सो मैम शी हैज सेड दैट यू ही वाज बिहाइंड योर सक्सेस एंड ऑल एंड नाउ यू आर सेइंग लाइक दिस। ही हैज सेड सो या आई थिंक यू विल हैव टू वेरीफाई दैट इफ He wrote Tara and he created everything else, then you'll have to find that out. पर मैम जो क्रू मेंबर्स ने तारा के उस टाइम पे आलोकनाथ जी को रिप्लेस भी कर सकते थे, ये वाली बात भी हो सकती थी कि ठीक है इस बात को नहीं करते बट रिप्लेसमेंट की बात तो हो ही सकती थी। तो रिप्लेस तो हुए थे ना वो, उसके बाद ही ये हादसा हुआ है। रिप्लेस का ईगो हर्ट हुआ उसके हाँ, बाद आप जी जी मैम ये वो सब लिखी हुई है ना, वैसे ही हुआ था। और एक बात लिखी थी कि ये वंस नहीं हुआ है ट्वाइस हुआ है, वैसे जी करके आपने कुछ जी उसके बारे में कुछ तो ये हुआ था। और उसके बाद मेरी कंपनी बंद हो गई थी, मुझे महेश भट्ट साहब ने नौकरी दी, उन्होंने मुझे एक सीरियल दिया कभी कभी करने के लिए, जिसको मैं लिख भी रही थी और डायरेक्ट भी कर रही थी। और जब वो शुरू होने का टाइम आया तो कास्टिंग के रूट से मुझे पता चला कि आलोकनाथ जी को कास्ट कर दिया गया है। तब मैंने एक ऑब्जेक्शन रेज किया कि इनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन किसी ने मेरी ऐसा सुनी नहीं और ना ही उनको पता था कि मैं ऐसा क्यों बोल रही थी, और उनको कास्ट कर दिया गया। और फिर वो सेट पे रोज़ आते थे जहाँ मैं डायरेक्ट कर रही थी, और मेरे लिए उन्होंने काफ़ी एक थ्रेटनिंग सा इन्वायरमेंट बनाया था उस सेट पे, जिसमें मुझे लगता था कि मुझे मेरे को बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है। एंड सब्सिक्वेंटली ही कॉल्ड मी टू हिज हाउस वंस एंड आई वेंट, क्योंकि मेरे को इतना डर था मेरे अंदर कि मैं अगर इनको रिफ्यूज़ करूँगी तो मेरी नौकरी जाएगी और मेरा जो यू नो अर्निंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एंड आई हैड गॉन थ्रू अ लॉट ऑलरेडी, मेरे सारे सीरियल बंद हो चुके थे जी टी वी पे, मेरी प्रोडक्शन कंपनी बंद हो चुकी थी, तो मैं गई। और उसके बाद मैंने अगले दिन जाके अपना इस्तीफा दिया और मैंने बोला कि मैं ये काम मैं डायरेक्शन नहीं करूँगी, और उसके बाद से आज तक मैं उनसे नहीं मिली। मैम सिंटा वालों ने आपसे क्या बातचीत की? क्या अभी मेरी बात नहीं हुई, उन्होंने जो भी कहा है ट्विटर और फेसबुक पे कहा है, लेकिन अब मैं करूँ मैं कुछ नहीं, फिलहाल मुझे मालूम नहीं मैं क्या कर रही हूँ। मैम ऐसा कहा जा रहा है कि जो लीड एक्ट्रेस थी नवनीत, उन्होंने भी उनको शायद थप्पड़ मारे थे, क्या कहना चाहेंगे? थप्पड़ नहीं मारे थे, इन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया था और उन्होंने उनको थप्पड़ मारा था, और उसकी वजह से हमने इनको आलोकनाथ जी को सीरियल से निकाल दिया था। मैम इस पूरे दौरान 2 दशक हो गए लगभग, क्या आलोकनाथ जी के बारे में और भी कोई ऐसी कहानियां आपने या ऐसी कोई बातें आप ऐसी कोई घटनाएं सुनने को आपको मिली? बहुत सारी। प्लीज अगर आप बता सकें कि ऐसा वो और भी महिलाओं के साथ करते थे और आपको पता है ये बात या उन महिलाओं ने आपको बताया? नहीं, पर वो महिलाओं को निकल के बोलना चाहिए। आप नाम मत लीजिए लेकिन। नहीं, आई विल नॉट स्पीक फॉर एनीबॉडी एल्स। लगभग कितनी महिलाओं ने आपको ये बात बताई? सिर्फ नंबर आप बता सकती हैं? क्यों ये मामला मैम जिस तरीके से हो गया है कि ये एक किसी एक महिला के साथ नहीं हुआ था, ये बार बार हजार बार और कई महिलाओं के साथ होता रहा। तो आप उनको उन महिलाओं को बाहर निकल के बोलना चाहिए। मैम
फेसबुक पोस्ट के बाद कोई ट्रबल शूट मैसेजेस आपको या किसी की कॉल्स आए हैं आपके पोस्ट के बाद? नहीं, देयर हैज बीन सम ट्रोलिंग. कुछ लोगों ने बोला है कि आई डोंट नो, एक्चुअली वेरी फ्रैंकली मैंने सुबह से अभी तक तो सोशल मीडिया देखा ही नहीं है, पर सुबह तक एक दो मैसेजेस थे जिनमें लोगों ने कुछ बोला है कि यू नो सम वेरी क्या बोलते हैं डेरोगेटरी मैसेजेस. या सी आई कॉन्ट स्पीक फॉर एनी बडी, आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ. एज फार एज दी अदर एक्टर्स आर कंसर्न, आई जेन्यूनली फील दैट जो मर्जी हो सच्चाई वो बाद में प्रूव होगी, लेकिन इशू को लेके आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं. सो वेदर बच्चन साहब हैं, आमिर खान हैं, आई नो उनके बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है कि उन्होंने स्टैंड नहीं लिया तनुश्री के को लेकर, उनका जो उनकी जो भी वजह होगी, बट माई पर्सनल ओपिनियन इज दैट दे शुड हैव टेकन अ स्टैंड. दे शुड हैव सेड कि अगर नाना पाटेकर ने ऐसे किया तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. I have no clue what I'm doing tomorrow morning, so I'll let you know when I take the next step. I just told you I don't know, I don't have a plan. But do you think the other predators of Bollywood, when this has started a movement, other predators of Bollywood will be exposed and the people will come and express apni awaaz uthayenge? Do you think kahin na kahin aapne ye chingari lagayi hai? Kya lagta hai aapko? I don't think maine ye chingari lagayi hai. I think mere se pehle bahut aise log hain jinhone mujhe motivate kiya hai bahar nikalne ke liye. Tanushree aur Nana ne case mein aapko bahut motivate kiya. I don't have a stand on the case. I just believe that if Tanushree has had the courage to come out, she should be supported. Okay, ma'am, जिस तरह से Bollywood या TV industry में हो रहा है, आए दिन लड़कियाँ आती हैं glamour world में काम करने के लिए, तो ऐसी लड़कियों को आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपको exploit, आपको लगता है कि आप exploit हो रहे हैं, तो आपको बाहर निकल के चिल्ला के पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जो साइलेंस कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उससे निकलना बहुत मुश्किल है अगर आप लंबी देर तक सच्चाई नहीं बोलेंगे. जैसे कि मुझे ये सब जवाब देने पड़ रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि आपने इतने सालों क्यों नहीं बोला. सो सेम वे इट शुड नॉट हैपन टू एनीबडी एल्स. तारा की कास्ट से आपकी बात हुई, नवनीत निशा जी ने? नहीं नहीं, आई हैवंट स्पोकन टू एनीबडी. बॉलीवुड का कोई कॉल आया मैम आपका पोस्ट पढ़ने के बाद किसी ने, बॉलीवुड से और कुछ लोगों का? बहुत लोगों के कॉल्स आए, इनफैक्ट कोई भी कॉल मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ. आई हैव टू अभी मैं बैठ के कुछ 20-25 फ़ोन करूँगी. महेश भट्ट जी से बात हुई हो या? उनका फ़ोन आया था पर मेरी बात नहीं हुई.